हाउ डू वी ब्रीथ, अब टॉपिक हम सांस कैसे लेते हैं, मींस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं, पूरा पैसेज क्या है, और वही हमारे ऑर्गेन्स हैं। सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, नोज, ठीक है, नोज से। और क्या है ये, नोज के बाद ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं, वहाँ एयर जाती है। उसके बाद ये ब्रोंकी में जाती है, और ब्रोंकी के बाद ये आपके ब्रोंकियोल्स जो और वो बना हुआ है, जैसे एक मेन आपका स्टेम हो गया, स्टेम विंड पाइप है ना, विंड पाइप के बाद देखो ये दो स्टेम है जो लंग्स में एंटर कर रहे हैं, तो इनको तो हम कहते हैं ब्रोंकी। फिर इसके बाद ये और ब्रांचेस निकल रही हैं, स्टेम है, स्टेम से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है ना, तो ऐसे ही हमारे लंग्स में है, और इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। नेक्स्ट, फिर इसके बाद ये छोटे छोटे आपको जो सर्कल से दिख रहे हैं ये एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, और यहां एल्वियोलाई में ही ये ब्लड से कॉन्टेक्ट में होते हैं। यहां पे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो ये पूरा पैसेज वहां से ट्रेवल होता है, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। चलिए, अवर नोज हैज टू होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, जो दो होल है नाक में उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स कॉल्ड नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल से होता हुआ जो एयर है वो कहाँ जाती है, नेसल कैविटी में। वी टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, वेन वी इनहेल एयर इट पासिस अवर नॉस्ट्रिल इन टू द नेसल कैविटी। पहले नॉस्ट्रिल से होती हुई वो नेसल कैविटी में चली गई। लेकिन नोज में एक और भी बात होती है, हमेशा कहा जाता है कि नाक से सांस लेना चाहिए, हम लोग मुंह से भी लेते हैं, मुंह से नहीं लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए। क्यों? एज द एयर पासिस थ्रू नेसल कैविटी, पहली बात इट बिकम्स वार्म, गर्म हो जाती है। इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्चर्ड बाय द म्यूकस सेक्रेटेड बाय मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी, और थोड़ी सा मॉइस्चर इसमें आ जाता है जो कि नेसल कैविटी में म्यूकस होता है, म्यूकस सेक्रिएट होता है, वो करता है ये काम। डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, और जो हमारे नोज में हेयर है उनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से क्लीन मॉइस्ट और वार्म एयर हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप में चली जाती है। द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी विच एंटर्स द लंग्स। ये ट्रैकिया दो उसमें डिवाइड हो गई ट्यूब्स में, जिनको हमने कहा ब्रोंकी, और वो लंग्स में एंटर करते हैं। After entering the lungs, the bronchus divides to form large number of small tubes called bronchioles. वही फिर further branch में divide हो जाते हैं आपके bronchi और फिर bronchioles आ जाता है। Bronchioles have tiny air sacs at the end called alveoli. Each lungs contains millions of alveoli. बहुत सारे alveoli होते हैं। Alveoles जो होती हैं वो thin होती हैं और सराउंडेड बाय द थिन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से ये कनेक्टेड होती है। द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया थ्रू ब्रोंकी एंड देन ब्रोंकियोल्स फाइनली एंटर द एल्वोलाई। ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम थिनर वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो नेचर का ये रूल है, कोई भी चीज है वो हमेशा ज्यादा से कम में जाती है, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ऑक्सीजन कंबाइन विद हेमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है एंड इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है। ब्लड जहां जहां जाएगा वहां वहां ऑक्सीहेमोग्लोबिन जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन एंटर्स ब्लड।
अब ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कैरी होके पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंच गया, सेल के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज्यादा हो गई, ब्लड में कम है, तो वो सेल से ब्लड में आ जाती है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई इन द लंग्स। अब वो ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई तक ले जाता है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम विद द एयर वी ब्रीथ आउट। और यही जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। मेन जो होता है वो एल्वोलाई के अंदर ही होता है, तो वो सारा आपको बता दिया।